खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाती है मिश्री। दोस्तों, मिश्री का स्वाद बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसका इस्तेमाल पूजा में भगवान को प्रसाद के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग माउथ फ्रेशनर के रूप में भी मिश्री का इस्तेमाल करते हैं। पर आपको पता है कि मिश्री हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। आज हम आपको मिश्री के कुछ स्वास्थ्य के लाभ बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेचुरल नुस्खे में, जिसमें हम आपको कुदरत के अनमोल फल फूल सब्जियों और आपको स्वस्थ रखने वाले उनके गुणों से रूबरू कराते हैं। जो जानकारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होती है, इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अक्सर मौसम में बदलाव आने के कारण बहुत से लोगों को सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है। ऐसे में आप मिश्री के सेवन से इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। नियमित रूप से गर्म पानी के साथ दिन में दो बार एक चम्मच मिश्री का सेवन करने से सर्दी जुकाम की समस्या में आराम मिलता है। अगर आपको सांसों से बदबू आने की समस्या है, मिश्री का सेवन फायदेमंद हो सकता है। अगर आप नियमित रूप से खाना खाने के बाद मिश्री का सेवन करें तो इससे मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, जिससे कि सांसों से आने वाली बदबू भी दूर होती है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल करें। मिश्री में चीनी से ज्यादा हेल्दी पोषक तत्व होते हैं, इससे शरीर में शुगर की समस्या नहीं होती। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो नियमित रूप से एक गिलास दूध में मिश्री मिलाकर पिएं। ऐसा करने से आपके शरीर में एनर्जी भी बढ़ेगी और खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बराबर रहेगी। हम आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो से आपको लाभ जरूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से कोई नया नुस्खा लेकर हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। आपकी राय और सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेचुरल नुस्खे और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कुदरती नुस्खों से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।